स्वामी जी जिनका वजन ज्यादा है, ऐसे में आप हमेशा 12 योगाभ्यास बताते हैं उन लोगों के लिए जिनका वजन कम है और 24 घंटे में वो 1 किलो वजन अपना घटा सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं उन 12 योगाभ्यास। 1 किलो से लेकर के शुरुआती दौर में तो मैं 2 किलो तक लोगों का वेट कम कर देता हूँ। तो जिनको ज्यादा व्यायाम का शौक है वो सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं, उसके ये 12 अभ्यास है। और हमने ये अभ्यास करके करवा करके एक साथ करेंगे मेरे साथ। एक ये देखो, ये लाइव एग्जांपल है, इनका 10 से लेकर के 15 किलो तक वेट कम किया हुआ है जो आप मेरे साथ में कैंडिडेट देख रहे हो, पार्टिसिपेंट देख रहे हो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। ये तो 12 अभ्यास वो है जो कोई भी कर सकते हैं। और इससे जो अंडरवेट है उनका लाइपोजेनेसिस होता है, उनके वो जो फैट खाते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, मीठा खाते हैं, जो भी खाते हैं वो उनके शरीर में ऊर्जा के रूप में, फैट के रूप में, मसल्स के रूप में कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो वो ऊर्जा के रूप में उनके अंदर रूपांतरित हो जाता है। अभी हम अभ्यास कर रहे हैं वेट कम करने वाले, तो जो अंडरवेट है उनका वेट बढ़ेगा, जो ओवरवेट है उनको लाइपोलाइसिस होगा। तो ये 2 शब्द हैं, लाइपोलाइसिस और लाइपोजेनेसिस। मतलब एक तीर से 2 निशाने लगा रहे हैं आप। वो कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी के अंदर। तो एक है लाइपोजेनेसिस अंडरवेट वालों के लिए, ओवरवेट वालों के लाइपोलाइसिस। लंबे लंबे श्वास, हम ये 1-2 बार नहीं कराते, ये 10 बार से शुरू करके और हम 50-50, 100-100 बार करवा देते हैं और इसके 3-4-5 राउंड तक करवा देते हैं। और इससे हम देखते हैं और पाते हैं कि 1 महीने में आप 10 से 15 किलो वेट कम कर सकते हैं। जब हमने कार्यक्रम शुरू किया था तब ये जो बाईं तरफ कैंडिडेट देख रहे हैं, डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी से लेकर के, वेद प्रिया जी से लेकर के और उज्ज्वला जी से लेकर के, हमारे पूज्य स्वामी आत्मदेव जी को भी हमने बाद में इसमें सम्मिलित कर लिया था, वो भी तगड़े हो गए थे। तिर्यक ताड़ासन, फिर त्रिकोण आसन, ऐसे ये एक एक अभ्यास 25-25, 50-50, 100-100 बार तक करवाते हैं। इससे हाथों में, पैरों में, पेट में, पीठ में, कमर में, अलग अलग जगह जो वजन बढ़ा हुआ है वो कम हो जाता है। तो देखो लंबे लंबे श्वासों के साथ ये अभ्यास करवा रहे हैं। स्वामी जी आज मीनाक्षी को नहीं करना चाहिए ना? पूरी बॉडी का वेट बढ़ना है जी? आज मीनाक्षी को तो नहीं करना चाहिए, उनका वजन और कम हो जाएगा। ना ना, इनका इनका और कम नहीं होगा। ऐसे मेरा कम होता अब तक तो मैं रसातल में पहुंचाना चाहिए था, मेरा तो कंकाल शेष रह जाना चाहिए था। तो देखो करो रे, आप लोग मोटे मोटे तुम लोग आराम करते रहते हो, मैं लगा रहता हूँ। तो योग समझ, तुम योग उच्चते। देखो मेरा वेट जब मैंने शुरू किया था इंडिया टीवी पर तब भी 67 था, अभी भी 66.4 है। कर लेंगे अभी जब आएगा, आजा आजा। तो ये जो है वेट जो है ये मेरा कोई भी देख सकता है। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि योग करने से 66.4, मैंने अपना वेट 66-67, यदि मैं 1-2 किलो ऊपर नीचे बोलूं तो 66 से 68 के बीच में मैंने कंट्रोल किया हुआ है और 67 मेरा पहले ही दिन था। तो इसलिए मैं कहता हूं, जब मैंने पिछले 30 सालों से इसको पूरा मेंटेन किया हुआ है तो कोई भी ऐसा कर सकता है। लेकिन ये कितनी कितनी बार करने पड़ेंगे, 10 बार से शुरू करके 50-100 बार करेंगे तो लोकल फैट, किसी का यह हाथ लटक जाता है, किसी की कमर लटक जाती है, किसी का पेट, किसी के कुल्ले, चारों तरफ ऐसे लटका झटकी चलती है, समझ में नहीं आता कि आदमी है कि औरत है, कि फुटबॉल है कि भूगोल है, पूरा गोल पटोल है। तो ये ऐसे ऐसे दो, फिर ये तीसरा,
त्रिकोण आसन करो सब, इसको 25-25 बार करके 100 बार करा देते, चार राउंड कर ली, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, ऐसे जितने भी मोटे मोटे भाई बहन है पूरे देश के, मैं सबसे कहूंगा कि एक एक अभ्यास 25 बार से शुरू करें, 25-25 करके चार राउंड कर लिए 100 बार हो जाएगा, फिर कोई मोटा मोटी नहीं बच पाएगा। मोटापे से बीपी, मोटापे से शुगर, मोटापे के कारण थायराइड हार्ट की प्रॉब्लम, शरीर में गांठे, फिर उनमें कैंसर, मोटापे से घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, मोटापा के कारण से कैंसर, कितने कॉम्प्लिकेशंस है इसके, मोटापे के कारण से चलने फिरने में भी दिक्कत, उठने बैठने में भी दिक्कत, सोने में खाने पीने में भी दिक्कत, टॉयलेट जाने में भी दिक्कत, जीने में भी दिक्कत, मरने में भी दिक्कत, मरने के बाद कंधे जो दे उनके भी कंधे तोड़ डाले, कितना कष्टकारक है। तो ये स्वामी जी मीनाक्षी तो मोटे लोगों को, स्वामी जी मीनाक्षी मोटे लोगों को धरती का बोझ बुलाती हैं। अरे नहीं नहीं, धरती का बोझ तो नहीं बुलाती, लेकिन हाँ ये जरूर है, देखो ये तो थोड़ी मजाक की बात है, हम किसी की मजाक नहीं उड़ाते, तो थोड़े हंसी खुशी में हम ऐसे ही खुशी खुशी करवाते हैं सब लोगों को, इस उनको उत्साहित करते हैं, मोटिवेट करते हैं, आप तो महान हो, मोटिवेट करते हैं, मोटापन दूर करने के। सुनो जितने भी मोटे भाई बहन है, सुन लो, आप महान है, आप तो सच्चिदानंद स्वरूप है, आप तो नर के रूप में नारायण है, आप बुरे नहीं है, ये मोटापा बुरा है, वजन पूरा, बिल्कुल सही बात। तो ये लंबे लंबे श्वास 10-20 बार से लेकर के, तो इससे आगे का पीछे का ये वजन बढ़ा हुआ है, तो इधर मोटे मोटे ऐसे वो चले तो धरती हाले, गुजराती में बोलते हैं उसको जाड़ा जाड़ी, ओ कर्नाटक में बोलते हैं डुम्मा डुम्मी, और तमिलनाडु में तो हो जाता है गुंडा गुंडी, तो जो जाड़ा जाड़ी, डुम्मा डुम्मी, गुंडा गुंडी, मोटा मोटी है, खोटा खोटी है, वो सब पतले हो जाएंगे, लगे हिम्मत से, मेरे कहा आप बुरे नहीं है, ये मोटापा बुरा है, इसने आपका जीना दुभर कर दिया, एक एक अभ्यास, ये मैं ज्यादा बार इसलिए करके बता रहा हूं। अच्छा स्वामी जी, 25-25 बार करके, स्वामी जी एक बड़ा दिल, स्वामी जी एक बहुत दिलचस्प सवाल आया, एक नितिन बंसल साहब है वो ये पूछ रहे हैं फेसबुक पर आपसे कि वजन ज्यादा नहीं लेकिन पेट निकल आया। हाँ तो पेट ही तो कम कर रहे हैं, अभी जो कर रहे थे पाद हस्तासन खड़े होके, ये जो कर रहे थे तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोण आसन, कोण आसन, पाद हस्तासन, अभी ये जो कर रहे हैं, ये सबसे ज्यादा वेट जो पेट पर ही बढ़ता है वहीं पर अटैक करता है, और ऐसे 25-50 बार आगे पीछे ऐसे वेट भी कम होगा, साथ साथ सिक्स पैक तैयार हो जाएंगे, अभी जो अभ्यास बता रहे, देखो पसीना बहने लगा, आप मेरी पीठ पर देखिए पसीने की धारा बह रही है, ऐसे पसीना बहेगा 25-25 बार, 50-50 बार, 100-100 बार करना है, घुटने सीधे, पंजे तने हुए, पूरी ताकत से, हिम्मत से, आगे भी पूछे गए, आगे पीछे पूरा जाना, लंबे लंबे श्वास भरना, आराम आराम से नहीं करना, पूरे जुनून के साथ करना, एक मस्ती से, एक पागलपन से, गायत्री मंत्र लगा लो, महामृत्युंजय मंत्र लगा लो, हनुमान चालीसा या शिव तांडव, कुछ भी भजन कीर्तन और जो भी आपको संगीत पसंद है वो लगा लो, आगे पीछे ऐसे 25-50 बार, फिर देखो ऐसे 25-50 बार ऐसे भी करना, ऐसे आगे झुके, पाद हस्तासन, अभी चक्यासन था पाद हस्तासन, पीछे पूरे गए, आगे पूरे, ऐसे आगे पीछे पूरे, ऐसे इससे सिक्स पैक बनेंगे, फिर ये सिक्स पैक तैयार हो जाएंगे, पूरा पेट एकदम हल्का, आगे पीछे पूरा, आगे झुके तो माथा घुटनों से लगा, पीछे झुके तो हाथ पूरे जमीन पर, ऐसे ताकत लगा के, हिम्मत से, हौसले से, जिससे जितना बन पाए, जिनको कमर में ज्यादा दर्द है वो इतना ही कर लेना, लंबे लंबे श्वास, लेकिन मैंने कहा एक बार में करना है 100 बार, तो 100 साल तक स्वस्थ रह करके जिएंगे, बस सुबह सुबह की 40 मिनट की मेहनत कर लो, इंडिया टीवी पर 8 से 8:40, बस ये समय मेरे लिए बुक कर दो, योग के लिए बुक कर दो, तुम
पैसा कमाने के लिए, धन कमाने के लिए, खेत बिजनेस व्यापार के लिए, करियर के लिए, सुबह से शाम तक खूब। अरे हुसैन तो बहुत जोर से लग गया भस्त्री का कपाल भाती में। अब बैठ के मैं यही कर सकता हूं स्वामी जी, ये डबल, हाँ डबल डबल काम कर रहा है, डबल ड्यूटी कर रहा है, योग भी कर रहा है, कर्म योग भी कर रहा है। कितना अच्छा है ना भस्त्री का कपाल भाती, अनुलोम विलोम करते रहते हैं। पहले एंकर आए इंडिया टीवी पर जो सिंहासन पर भी बैठ करके योगाभ्यास कर रहे हैं, अच्छी बात है और यही जरूरी है। हाँ जैसा देश वैसा भेष, आगे पीछे पूरा झुकना, ये 25-50 बार करना है। कुछ तो बीच में ही रुक गए हैं, एज जो है जो उज्ज्वला बीच में मुझे घुर रही है, ऐसे नहीं चलेगा। ज्यादा थका रहे हैं आप आज, ये आराम से बैठने ही नहीं देते। हाँ इसने वैसे अपनी इसकी हड्डियां पूरी कमजोर हो गई थी, हड्डियां मजबूत कर ली, और ऐसे देखो ये बैठ करके ये इसने अपने हड्डियां ऑस्टियोपेनिया ऑस्टियोपोरोसिस इसके जो है हिप जॉइंट का पूरा जो है फ्यूज हो गया था, उसको डॉक्टर ने बोल दिया था जॉइंट चेंज करना पड़ेगा। जब चेंज करने की बारी आई बोले इसमें तो नट बोल्ट ही नहीं लगेंगे, दीमक लग गई है हड्डियों के अंदर। तो इसने अपनी हड्डियां भी ठीक कर ली और 15 किलो वजन घटा लिया, 105 किलो की थी। ये बाल फैला करके अभी हीरोइन बनने की कोशिश कर रही है, कर ले कोई बात नहीं, शर्मा मत। तो अभी पहले 105 किलो की थी पूरी, पूरा सेंचुरी लगा रखी थी, अभी हो गई है 85 किलो की, 20 किलो इसने कम कर लिया है टोटल। लंबे लंबे श्वास ऐसे, और हमारे आत्मदेव जी ने भी ये भी तगड़े हो गए थे, इन्होंने भी लगभग अपना जो है 14-15 किलो वेट कम कर लिया है। तो ये भी अब एकदम बैलेंस हो गया है। ये आप देख रहे हैं पीछे एकता बेटी, ये भी मोटी हो गई थी, इसकी नई नई शादी हुई थी, फिर इसका वैसे हस्बैंड अच्छा था इसलिए जिसकी बीवी मोटी वही तो बदनाम है, ऐसा नहीं गाया भजन। इसकी बीवी को हमने पतला कर दिया। तो ये अब इसका पति इससे बहुत ज्यादा और प्रेम करता है, वैसे शरीर से नहीं, प्रेम तो आत्मा से होता है, लेकिन शरीर तो पहले ही दिखता है ना, आत्मा तो बाद में दिखती है। सही बात है। लंबे लंबे श्वास ऐसा करके 25-50 बार, 100 बार ऐसे करना है, 100-100 बार करके इसके ये जो एक राउंड अभी बता रहे ना बैठ करके, 3 खड़े होके, 4-7 हो गए, आप उल्टे लेट करके करेंगे 2, 9 और 3 सीधे लेट के, 12 मूल अभ्यास है। चलो अब उल्टे लेट जाते हैं, पेट पीठ पूरा स्ट्रक्चरल बैलेंस भी इतना खूबसूरत हो जाएगा, हमारा शरीर ऐसा हो, हमारा जीवन ऐसा हो, आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव आचरण चरित्र ऐसा हो, लोगों को हमें देख करके योगी बनने की इच्छा हो। सारे दुनिया के लोग रोगी होते जा रहे हैं, मोटापा, बीपी, शुगर, थायराइड, कैंसर, न जाने क्या क्या। जो योग करेंगे स्वास्थ्य मिलेगा, मेहनत करेंगे जो योग करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, कर्मयोग करेंगे, उनको स्वास्थ्य मिलेगा, समृद्धि मिलेगी, सफलता मिलेगी, विजय मिलेगी, उपलब्धियां मिलेंगी। जीवन के अंदर सबको यही तो चाहिए, हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस, अचीवमेंट, विजडम, विक्टरी, ये सब मिलेगा। बस योग करो सुबह सुबह, दिन भर कर्म योग करो, सुबह सुबह योग कर, दिन में अपना स्वकर्म, स्वधर्म, मानव धर्म, राष्ट्र धर्म, घर परिवार, बिजनेस व्यापार जो करना है सब अच्छे से कर पाएंगे। जो योग करेंगे उनको सब कुछ मिलेगा, जैसे मुझे मिला, जैसे पूज्य आचार्य वासिष्ठ जी को मिला, पतंजलि को मिला। योग से क्या होता है उसका परिणाम है, द रिजल्ट ऑफ योगा इज पतंजलि ब्रांड, पतंजलि इंस्टीट्यूशन, पतंजलि ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे दोनों हथौड़ी के नीचे देखो, ऐसे मेरे तो आंखों में भी पसीना घुस रहा है, अभी क्या करूं, पूरा पसीना आ रहा है, और लंबे लंबे श्वास ऐसे। सब मोटे भाई बहन हमारे साथ करना, और इंडिया टीवी पर फिर लिखना भी, मैंने कहा था अपनी अनुभूति, अपने एक्सपीरियंस हमको शेयर करना। ऐसे ये 25-25 बार करके 100-100 बार करा देते हैं, मैं तो एक ही मिनट में ऐसे 100 बार कर लेता हूं ऐसे। ए करो बीच में रुको मत, डॉक्टर वाश ने जब मैंने पहले, हमारा चीफ साइंटिस्ट है पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट का, मैंने पहली बार इसको देखा, मैंने कहा रिसर्च तो कर देगा लेकिन इसके भीतर भी रिसर्च चल रही है। हाँ, अनुराग जी से मुलाकात मेरी भी हुई, स्वामी जी देखो तो बहुत फर्क आया। हाँ, बहुत फर्क आया। अरे साहब
जब पहली बार ये आए तो अक्सर बहुत, जब मैं जिनसे बहुत प्रेम करता हूँ तो गले मिल लेता, मैंने इसे गले मिलने की कोशिश की तो पेट अड़ गया बीच में ऐसे। अरे मैंने कहा दिल से दिल नहीं भिड़ा, ये पेट बीच में अड़ा, ये क्या हो गया मेरे भाई, कहाँ इसको ठीक कर। तो लंबे लंबे श्वास, तो ये 25-50-100 बार तक करना है, 100-100 बार इंडिया टीवी पर देख करके ही। कितने लोग हैं मैं आपको बता रहा था, एक भाई हरिप्रसाद गुप्ता जी आए, बोले स्वामी जी मुझे आपको दक्षिणा देनी, 51 लाख रुपए मुझे दक्षिणा दे के गए। बोले स्वामी जी इंडिया टीवी पे देख देख के सुबह सुबह करता हूँ, 10 किलो वेट कम कर लिया। बहुत हमारे आहूजा साहब जो है उन्होंने अपना लगभग 20 किलो वजन कम कर लिया। बोले स्वामी जी अभी मैं ज्यादा योग नहीं करता, मेरा तो पूरा घट गया जितना घटना था। ऐसे गिरीश आहूजा साहब, चश्मा हट गया, आंवला एलोवेरा जूस पी रहा था एक एक पैर से, दोनों पैरों से। अच्छा, चश्मा हट गया, वजन घट गया, नो बीपी, नो शुगर, नो स्ट्रेस, नो एंजाइटी, नो डिप्रेशन, पूरा ये एंटी एजिंग भी है, इतने लोगों के भी है, एंटी कोरोना है। स्वामी जी इतने लोगों के वजन आपने कम किए, सब रोगों की एक दवाई है। हाँ स्वामी जी आपने इतने लोगों के वजन कम किए, आपकी एक दर्शक है प्रीति कश्यप फेसबुक पर, वो आपसे पूछ रही है कि जो योगाभ्यास आप बता रहे हैं उससे क्या चेहरे पर जो चर्बी आ जाती है वो उससे, इन योगाभ्यास से वो चर्बी भी हट जाएगी या उसके लिए कुछ अलग से करना है? अभी कपालभाति बताएंगे ना। अच्छा। ये सब अभ्यासों के साथ कपालभाति और ग्रीवा संचालन बताएंगे। पूरे शरीर का वेट कम होता है योगाभ्यास से, पूरी बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है। अब देखो सीधे लेट करके अर्धनासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, ये मूल 12 अभ्यास है। फिर रिलैक्स होने के लिए मरकटासन, सवासन, फिर मुख्य प्राणायाम पर आएंगे, ये 20 अभ्यास है टोटल। तो लंबे लंबे श्वास, तो पूरा पैकेज दे रहे हैं, मुफ्त में बता रहे हैं सब। वेट कम होता है T3 T4 TSH के बैलेंस होने से, किसी को थायराइड बढ़ने से, किसी को थायराइड की प्रॉब्लम से, किसी को जेनेटिकली वेट ज़्यादा है, किसी को स्ट्रेस, ओवर ईटिंग, लो फिजिकल एक्सरसाइज, लेस फिजिकल एक्सरसाइज, स्ट्रेस, ओवर ईटिंग, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, खाने पीने जीने का तरीका भी आज बताएंगे। लंबे लंबे श्वास ऐसे करो भाई साहब, लंबे लंबे श्वासों के साथ 25-50 बार ये अर्धनासन, फिर पादवृत्तासन, दोनों पैरों से एक एक पैर से ऐसे बड़ा शून्य बनाते हैं, जो दोनों से ना घुमा पाए वो एक एक से, और जो दोनों से घुमा पाए वो दोनों से। मैंने छोटे छोटे बच्चों का भी वजन घटाया, शुरू शुरू में उन बच्चों को भी लेके आए थे, भी उनकी परीक्षा चल रही है इसलिए आज नहीं बुलाया। छोटे छोटे बच्चों से लेकर के बड़े बड़ों तक का मैंने वजन घटाया। वेद प्रिया जी जो यहाँ पर बैठी है लगभग 15 किलो वजन करके, इनके पिताजी का तो आपने इंडिया टीवी पर दिखाया था 80 किलो वजन कम किया इनके पिताजी ने। ये जिद तार्य जी रोहतक में रहते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण है, अभी वो पृथ्वी लोक में रही है, द्यूलोक में नहीं गए, स्वर्ग लोक में, कोई भी देख सकता है। माने मैं लोगों के 15-20 किलो से लेकर के 80 किलो तक वजन कम कर सकता हूँ, उसके तो प्रत्यक्ष प्रमाण यहीं पर दे रहा हूँ। ऐसे गोल गोल घुमाया, फिर ये साइकिलिंग, ऐसे एक एक अभ्यास 25-25 बार करके, 25-25 बार क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज करना पड़ेगा, एक पागलपन, एक जुनून के साथ, खाने पीने पर कंट्रोल। आज हम पंचामृत बताएंगे 8:30 बजे, वो 5 चीजें जो वजन घटाने में आपका बहुत सहयोग करती हैं। और कुछ नहीं आता तो गर्म पानी पियो, खाने पीने में कुछ चीजें ठीक कर लो, घी बंद करना पड़ेगा, 2 चम्मच से ज्यादा घी नहीं खाना, 2 चम्मच से ज्यादा तेल नहीं खाना, ज्यादा घी नहीं खाना, ज्यादा नमक नहीं खाना, और चीनी तो खाना नहीं, चीनी का विकल्प मधुरम और शहद हम बताएंगे, मिला हुआ अनाज, मिश्रित अनाज, मोटे अनाज लो, और मैदा नहीं खाओ, मोटे अनाज, चोकर वाला अनाज, हाई प्रोटीन आटा हमने बना रखा है न्यूट्रिला में, हमने वो बड़ी के साथ साथ अभी हाई प्रोटीन आटा भी दे दिया। प्रोटीन डाइट ले, प्रोटीन डाइट के नाम पर, लेकिन आजकल जो बाजार में मिल रहा है वो आर्टिफिशियल प्रोटीन नहीं, गेहूं के अंदर थोड़ा चना मिला दिया, थोड़ा जौ मिला दिया, थोड़ा चौलाई सिंघाड़ा मिला दिया, गेहूं के अंदर जो है सोयाबीन का आटा मिला दिया हमने। सामान्य रूप से गेहूं के अंदर जो प्रोटीन होता है उसकी मात्रा कम होती है, तो हमने 35% कर दिया उसके अंदर प्रोटीन। तो ये हाई प्रोटीन आटा, हाई प्रोटीन आटा, मिक्स आटा, नवरत्न आटा, ऐसे ये 12 अभ्यास हो गए, अंत में मरकटासन, ऐसे इससे रिलैक्स हो जाते, इतने अभ्यास करके ना। फिर ये एक राउंड हुआ ऐसे, 1-2 इसके 3-5 राउंड कर लिए, एक राउंड किया मरकटासन, फिर अंत में 2 अभ्यास, तीसरा मरकटासन का ऐसे, और फिर सवासन करके
एक बार फिर ऐसे ये मरकटासन करके सवासन कर लिया, फिर दोबारा पहले अभ्यास से तिर्यकताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पादहस्तासन, बैठ करके द्विचक्रिकासन और पश्चिमोत्तानासन, स्थितकोणासन, भुजंगासन, सलभासन, अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, ये 12 अभ्यास कर करके अंत में शवासन किया, फिर बैठ जाए, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार,